आपका भी Realme Cloud में आपका ऑटो बैकअप इनेबल है तो इसको कैसे डिसेबल करेंगे, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। मेरे पास है Realme 6i, तो आप देख सकते हैं इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हैं ऑटो बैकअप का। यानी कि आपका 5 GB का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं 5 GB फ्री मिलता है ऑटोमेटिकली, अगर आपका जो बैकअप ले लेता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे अपना जो ऑटो बैकअप को डिसेबल कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। तो फ्रेंड्स शुरू से मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको हे क्लाउड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा क्लाउड बैकअप, तो इसको आपको टैप करना है और यहाँ से इसको मैं आपको फिर से बैक करके दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है और हे क्लाउड पे जाना है, ये रहा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लाउड बैकअप पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको डिसेबल करना है। तो काफ़ी आसान है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो मैंने आपको बताया किस तरीके से क्लाउड जो रियलमी का होता है उसको बैकअप को बंद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।